ट्रेन में बार बार तुमको एंजाइटी हो जाती है, पैनिक करते हो, फिर भी तुम्हें ट्रेन से ही जाना है। इंसान को उसकी मेमोरीज डिफाइन करती हैं, उसे उनका सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। वॉट एवर यार, ये वहां देख, वही तो। ए, रुक जाओ। ए, रुक जाओ। इतिहास में टेलरों की प्रमुखता क्या है? कम से कम 10 शताब्दी पहले वेंगी राजाओं ने शासन किया प्रांत है। कैन यू नेम इट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ योर प्लेस? टेलरू। सारे आईएएस ऑफिसर करप्ट है, सी अफवाह है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? पूरे सिस्टम ही करप्ट है सर, तो सारे करप्ट है सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्या आप में से कोई ऑफिसर्स हैं जो करप्ट नहीं है? हैदराबाद में हुए रेपिस्ट लैब एनकाउंटर पर तुम्हारी क्या राय है? अराजकता है। कैसे? सबके लिए एक समान रूप से काम करना ही न्याय है सर। आलसीपन, देरी करना, पक्षपात से जनता का न्याय व्यवस्था के ऊपर का भरोसा तोड़ने का काम ही कर रही है हमारी न्याय व्यवस्था। इस पर राजनीति ने टेम्पररी सोल्यूशन जो ढूंढा था वो था एनकाउंटर। अगर वही उन रेपिस्ट में से कोई मंत्री का बेटा हो तो क्या उसका एनकाउंटर होगा सर? मिस्टर अभिराम, आपके पास के गांव में इंटरकास्ट मैरिज करने वाली एक युवा जोड़ी का गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरा गांव एक लड़के पर एसिड अटैक कर रहा है। पहले आप कौन से गांव जाएंगे? जो गांव नजदीक होगा उसी गांव में पहले जाऊंगा सर। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन सर? 22 में पहले कौन सा दो आता है, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कोई भी आंसर दो वो करेक्ट ही होगा। तो वो पर्सनैलिटी इंटरव्यू कैसे हुआ सर? या फिर सिस्टम में एंटर होने से पहले ही राइट या रॉन्ग नहीं होता ये कहकर कॉम्प्रोमाइज करना सिखा रहे हो? Mr. Abhiram, are you challenging the integrity of this board? No, sir. I'm challenging the integrity of the entire system, sir. तो फिर इस attitude के साथ उस system में कैसे fit होगे? Fit होने के लिए system ही कहाँ है, sir? राजकीय नायक, सरकारी नौकर, कोर्ट के तीन घोड़े संविधान को समानता से खींचते हुए एक दूसरे की गलती को खंडित करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी ये गाड़ी सड़क पर रहेगी सर। पर सत्ता की नशे में धुत ये राजकीय घोड़ा अगर रास्ता भटक कर बाकी के दो घोड़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहा है तो सिस्टम कैसे बचेगा सर? कई लाखों लोगों को फिल्टर करके मिले हुए वैल्यूएबल प्रिंट्स को सिस्टम में धकेला जा रहा है, पर उन्हें सच्चाई के साथ काम करने का मौका कहां मिलता है सर? अगर ये पर्सनैलिटी इंटरव्यू है तो ये पर्सनैलिटी वहां कैसे मिस हो रही है सर? जिन्हें समाज में रहने का हक नहीं है वो गुंडे दिन दहाड़े मासूम बेकसूरों की जान ले रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने वाली व्यवस्था ही उन्हें पाल रही है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखकर ही इस इंटरव्यू में आया हूं सर। उन्हें ये पावर किसने दी सर? इलेक्शन में वोट देने वाला वोटर सोचता है कि वो नेता उसकी जिंदगी बदल देगा,
हमेशा लूटने की कोशिश में ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने वाले पॉलिटिशियन, जनता के लिए काम ना करके साहूकारों के लिए काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, इस जाल में फंसकर हमारी जिंदगी कोई नहीं बदलेगा सोचकर अपना वोट बेचकर जी रहे हैं वोटर। चक्र पूरा हो गया सर। इस व्यवस्था में एक और आईएएस ऑफिसर आएगा तो क्या, जाएगा तो क्या, चाहे वो मैं रहूं या चाहे कोई और रहे। 75 साल से सरकार है इसी भ्रम में जी रहे थे सर, पर उस सरकार की असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता सर। What's the point of this interview, sir, if not a pseudo-intellectual masturbation? मिस्टर अभिराम, इस टेम्परमेंट के साथ आप इस फील्ड में काम नहीं आओगे। आई एम सॉरी। थैंक यू सर, मैंने भी यही रियलाइज किया है। एक सिविल सर्वेंट के साथ ईगो क्लैश की वजह से मैं इस गेम में आया था, पर आते वक्त रास्ते में ही समझ आ गया था इस खेल में रूल्स नहीं है, बल्कि ये खेल ही नहीं बस खिलवाड़ है। सॉरी चाचा जी। ये मेरे भैया की कंपाइल की हुई रिसर्च रिपोर्ट से अंकल, घर खाली करते वक्त मिली थी। मुझे तो ये पक्का एक पॉलिटिकल मर्डर लगता है। आई विश आई कुड हेल्प, बट सिस्टम ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो फिर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं यूएस जाते ही WHO में रिपोर्ट कर दूंगी। आप यहां से ये केस रीओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? हे मामा जी, घर पे आ गए। आईएएस बन गए क्या? इंटरव्यू का क्या हुआ? होना क्या है, आपकी इच्छा के मुताबिक ही हुआ है अंकल। ये इंटरव्यू में हार गया, आप जाकर वापस वही टिकट्स बुक कीजिए। इस बार बिजनेस क्लास में बुक करता हूं। बाय। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, लेट मी नो व्हेन यू आर देयर। मैं आकर तुम्हें पिक कर लूंगी। अभी तुम जैसे लोगों को इस सिस्टम में नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाहर रहना चाहिए, ही देश के लिए अच्छा होगा। जस्ट टेक इट इजी अभी। होप आई विल सी यू सून। बाय आंटी। बाय। बाय। बाय अंकल। बाय प्रिया। बाय अंकल। यू जस्ट स्टे विद अस व्हेन यू केम टू यूएस। फॉर श्योर। बाय। आउट। चल बैठ दे मुझे। एक टप्पा पे आउट हो जाएगा बोला था ना? पर स्ट्रेट कैच लिया ना? ऐसा तो आप नहीं बोले थे। अरे ये तो अभी से करप्शन किंग बन गया यार। चल बैठ दे मुझे। मैं नहीं दूंगा। अरे मैं नहीं छोडूंगा। बोलना नहीं। बेलेरू के निवासी मिस्टर अभिराम ने IIT में मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर गोल्ड मेडल जीत लिया है। पिछले चुनाव में इसी युवक ने चुनाव की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया था और खबरों में बना हुआ था। इतना ही नहीं, इस युवक ने पहले ही अटेम्प्ट में UPSC क्रैक कर लिया है, जो कि काबिले तारीफ है। इस युवक के इंटरव्यू से कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ सारे पैनल मेंबर्स इम्प्रेस हो गए हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों से उनके लिए ऑफर्स आ रहे हैं। सी, एनी न्यू मेडिसिन और वैक्सीन सैंपल टेस्ट में सक्सेस होने के बाद ही मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल वैसा ध्यान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में भी अप्लाई करने पर ही वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी होगा। मैं जब से कैबिनेट सेक्रेटरी बना तब से चाहे जो पार्टी हो, सारे देश में इंप्लीमेंट करने से पहले एक ब्रिक लेवल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। मिस्टर अभी, यू आर दैट एक्सपेरिमेंट। आगे भविष्य में UPSC कलेक्टर को बनाने के अलावा उन पर राज्य सरकार के जो भी अधिकार हैं, उन्हें भी अपने हाथों में लेकर इसी दिशा में केंद्र सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव अरेंजमेंट बिल का प्रस्ताव लाया है। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसलिए ये मत सोचना कि तुम्हें अनलिमिटेड पावर्स मिलेंगी। किसी भी पॉलिटिशियन को तुम्हें ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होगा। ये एक ही कंफर्ट तुम्हें मिलेगा,
इस प्रपोजल के लिए पहले प्रयोग के लिए आईएएस टॉपर अभिराम को यूपीएससी बोर्ड पश्चिम गोदावरी जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस 25 साल के बैचलर के काम के ऊपर ही इस बिल का भविष्य निर्भर करता है। ये केंद्र सरकार के नेतृत्व के अन्याय का एक और निदर्शन है। इट इज एंटी फेडरल एंड वी आर स्ट्रॉन्गली अपोजिंग दिस बिल। इट इज रिडिकुलस, अनडेमोक्रेटिक। देश की सारी क्षेत्रीय पार्टियां इस बिल का तीव्रता से खंडन करती हैं। दुनिया के जितने भी लोकतंत्र देश हैं वो इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। असल में डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। विद द सपोर्ट ऑफ द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट आवर टारगेट इज टू अचीव दैट। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये एक्सपेरिमेंट जरूर फेल होगा। गुड मॉर्निंग सर। ये सब कब से चल रहा है? जैसे ही इन्हें पता चला सुबह से ही ये लोग आ गए। इंस्पेक्टर, मैं आपसे राजनेताओं द्वारा भेजे गए उन गुंडों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। इन्हें तो 2 हफ्ते हो गए सर। जब ये बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल ले जाने पर एक के जगह पे दूसरा आके बैठ जाता है। डिमांड्स पूरी होने तक चाहे जितना भी वक्त लगे टेंट नहीं हटाएंगे, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। तो फिर हमें और ब्रिटिशर्स में क्या फर्क रह जाएगा? हम यहाँ हैं जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सेटलमेंट्स करने के लिए नहीं। इधर नहीं, उधर ध्यान दीजिए। प्लीज बी सीटेड। आज तक इस जिले के कलेक्टर का भविष्य एक पॉलिटिशियन के हाथ में हुआ करता था, लेकिन आज से वो यूपीएससी बोर्ड के हाथों में है। मतलब इनडायरेक्टली वो भविष्य मेरे हाथों में है, इस बात का ध्यान रहे। एज यू ऑल नो, कलेक्टर इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम दैट सुप्रीम अथॉरिटी। पुराने तरीके में और नए तरीके में एक ही फर्क है। अब तक पॉलिटिशियंस के घरों में सीक्रेटली हुए सेटलमेंट्स आज से यहीं लीगली, पब्लिकली और पीसफुली होंगे। चुटकी बजाते ही व्यवस्था को बदलने के लिए ये कोई सिनेमा नहीं है। ना ही मैं भारतीय हूं और ना ही कोई अपरिचित। बाय चॉइस बुरे होकर जीना चाहने वाले को कोई नहीं बदल सकता, सिस्टम के मुताबिक सजा देने के अलावा। आप में से कई लोग अच्छे ऑफिसर्स बनकर जीना चाहकर भी ना जीने वाले हैं। उन्हें वो मौका देना ही मेरा लक्ष्य है और वही असली बदलाव होगा। नया आने वाला हर कोई ऐसा ही कहता है सोचकर मजाक समझने वाले पास के जिले में अभी से ट्रांसफर करवा लो वरना तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एसपी सर। सर, उस दिवरेकर गुना की केस फाइल लेकर मेरे रूम में आइए। अब तक 14 मर्डर्स, 4 रेप्स, कुल मिलाकर 18 अपराध हैं। 6 महीने से शूट एट साइट का ऑर्डर है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? सर, एक स्पेशल टीम के साथ 6 महीने से ढूंढ रहे हैं हम लोग। आपको एज एन एसआई ज्वाइन किए कितने दिन हुए हैं? 3 महीने सर। शूट एट साइट ऑर्डर का मतलब क्या है? जेल काट चुका कैदी बाहर के लोगों को और उनकी मान मर्यादा को हानि पहुंचा रहा है सर। उसे देखते ही गोली मार देने का कोर्ट का ऑर्डर है सर। वो तो बाहर के लोगों को अच्छी तरह दिखाई देता है। कहीं आपको कोई सिलेक्टिव विजन नाम की बीमारी है?
सर, जिस दिन से आप आए हो उस दिन से मेरी परमिशन के बिना मेरे स्टाफ को बुलाकर उन्हीं के सामने साफ साफ मेरी बेइज्जती कर रहे हो। यानी अब ये लुका छुपी किस लिए? अच्छे से बात करते हैं ना हम। गुनाह को टच किया तो विशाखा वानी से वॉर डिक्लेयर करने जैसा ही है ये। गुनाह के साथ साथ उसे मारने वाला भी समाधि में चला जाएगा, ये बात गांव वाले सब जानते हैं। इस ट्रांसफर से हमें कौन बचाएगा सर? इस ड्यूटी के साथ साथ घर में बीवी बच्चों को संभालने की ड्यूटी भी है हमारी सर। एसपी सर, आप अर्जेंटली आईजी से बात करके दूसरे जिले में ट्रांसफर करवा लीजिए, घर की ड्यूटी संभालिए। अब जाइए। सर, गुना कहां रहता है मैं जानता हूं सर। अगर आपका सपोर्ट मिले तो मैं हिम्मत कर सकता हूं सर। गुनाह को शूट करने वाला मारा जाएगा ना, चलो वो मौत कैसी होती है मैं भी देखता हूं। सुधाकर, उस डिपार्टमेंट वाले ने भाई तुम्हें मारने के लिए दो कुत्ते निकले हैं ऐसा बताया। अब तक निकले सारे कुत्तों का क्या हाल हुआ ये बताया नहीं क्या तुझे? पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? हम क्या बताए भाई, तुम करके दिखाओ ना। दो आदमी और दो बंदूक, सब कुछ खत्म कर दोगे क्या? चलो 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 चलो